हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं जहीरुल, आपका दोस्त होस्ट और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा वेस्ट बंगाल के बारे में, क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई वेस्ट बंगाल के बारे में मुझे बताओ। तो आज मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बताऊँगा। और वेस्ट बंगाल तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कंपनी है, तो आज मैं उनके ही बारे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और दोस्तों साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में CSP है कितना। तो मेरा जो ऑल इंडिया का जो CSP का जो लिस्ट है, यह सब देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत यही है, जो BCBF जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका डिटेल्स पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो लिस्ट है 2016 का लिस्ट है और यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है। तो फिर भी मैंने पूरी डिटेल्स के साथ निकाला है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा कंपनी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कितना सारा CSP है। तो पहले बांकुड़ा में देख लेते हैं, तो बांकुड़ा में आप देख सकते हैं इतना सारा CSP ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, काम कर रहा है। तो उसके बाद बर्धवान में भी एक बार देख लेते हैं कितना सारा है। तो इसका पहला वाला जो सिस्टम था उसमें पूरी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ देकर यहाँ पर पूरी लिस्ट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तो नेम, एड्रेस और पिन कोड ऐसे ही दिया हुआ है। और ये जो वर्धमान का जो लिस्ट है, ये अनडिवाइडेड वर्धमान है, अभी तो पूर्वा और पश्चिम हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्धमान की पूरी, यहाँ से सिर्फ आप कितना सारा CSP है उसका ओनर का नाम आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर आप एक CSP खोलना चाहते हैं तो कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो सबसे पहला मैं रिकमेंड करूँगा FIA, ठीक है। FIA वेस्ट बंगाल में किसी भी जगह, अगर आप FIA के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आप क्लिक करके आप पूरी डिटेल्स के साथ जान सकते हैं। और FIA जो है पूरी ऑल इंडिया में भी ये लोग देते हैं, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही इनका जो CSP है वेस्ट बंगाल में ही है, और सबसे ज़्यादा है बर्धमान में, ठीक है। FIA बर्धमान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम में नहीं है, और बांकुड़ा, पुरुलिया इन सभी डिस्ट्रिक्ट में FIA का सबसे ज़्यादा CSP है। और उसके बाद मैं बात करूँ FIA से, तो अगर आप FIA से बात करना चाहते हैं तो FIA global.com इस साइट को आप खोल सकते हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके पूरा एड्रेस आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं FIA का पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, और कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे में देख सकते हैं, कॉल सेंटर का नंबर। तो अगर आप इसी नंबर से डायल करेंगे और पूछेंगे कि वेस्ट बंगाल में कौन सा उनका जो एजेंट वगैरह है, जो भी है, ऑफिस कहाँ पर है, तो पूरी डिटेल्स के साथ बता देंगे। तो उसके बाद आता है बीरभूम के बारे में। तो अगर बीरभूम में आप खोलना चाहते हैं तो मल्लारपुर नौसेवा सबसे बेस्ट है, और बीरभूम में जितना सारा CSP है मल्लारपुर का है, ठीक है। एक NGO है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी है, इसके सिवा बीरभूम में किसी का भी CSP नहीं है, ठीक है। तो मल्लारपुर नौसेवा आपके लिए, अगर आप बीरभूम में खोलना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। और उसके बाद आते हैं कल्याण रूरल एम्पावरमेंट डेवलपमेंट इन्फोटेक फाउंडेशन, ये जो कंपनी है ये बर्धमान का ही कंपनी है। तो अगर आप बर्धमान में करना चाहते हैं या फिर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, अगर आप बर्धमान में करना चाहते हैं, और इसका जो ऑफिस है बर्धमान में ही है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इनका ऑफिस बर्धमान में भी है, सिलीगुड़ी में भी है, पुरुलिया में भी है, मतलब पुरुलिया में अगर आप खोलना चाहते हैं तो पुरुलिया में भी खोल सकते हैं, सिलीगुड़ी में भी खोल सकते हैं, झारखंड में भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, झारखंड और जमशेदपुर, कटक मीन्स उड़ीसा, नवी मुंबई में इसका ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस है, और सिलीगुड़ी, बर्धमान, पुरुलिया, इन सभी जगह पर ये लोग CSP प्रोवाइड करते हैं। इसका जो सर्विस है बहुत अच्छा सर्विस है, और देखते हैं और कौन सा कंपनी है। तो ये है MB यूनिट ऑफ सोशियो इक्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसको यूनिक भी कहते हैं हम। तो ये जो है नदिया में इसका ऑफिस है। तो
अगर आप नदिया डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं या फिर कोलकाता, किसी भी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जो कंपनी है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी का जो डिस्ट्रिक्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूँगा। तो अगर आप नदिया के लिए करना चाहते हैं तो यूनिक आपके लिए बेस्ट होगा, और अगर आप बर्धमान या फिर पुरुलिया बांकुड़ा ऐसे जो रीजन है उसी रीजन में करना चाहते हैं या फिर आप झारखंड में भी करना चाहते हैं तो इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी कंपनी से। तो इसका नाम है कल्याण रूरल एम्पावरमेंट डेवलपमेंट इन्फोटेक फाउंडेशन। और अगर आप बीरभूम में करना चाहते हैं, एक CSP खोलना चाहते हैं, तो मल्लारपुर नाइसो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप ऑल इंडिया में किसी भी जगह अगर आप CSP खोलना चाहते हैं तो फिया आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि फिया सब बहुत बड़ा कंपनी है और फिया का कोई पार्टिकुलर कोई रीजन या फिर एरिया नहीं है, पूरी वेस्ट बंगाल में ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। और बाकी का जो डिस्ट्रिक्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा, और कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।